नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नई राशि के साथ आए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वृश्चिक, आप एक रहस्यमय गहन जल राशि है जो अपने गुप्त आकर्षण को प्रदर्शित करना पसंद करते हैं, लेकिन गंभीर शनि आपके नाटक के पांचवें घर में घर गोचर करेगा और 2024 में ध्यान आकर्षित करेगा। आप पहले से ही कहीं अधिक खुशियों में रहेंगे। आप मनोरंजन के लिए जो चीजें करते हैं जैसे खेल और शोक, उन पर भी अधिक महत्वाकांक्षी जोर दिया जाता है, इसलिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रवाहित करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यदि आप किसी चीज के लिए अपना समय समर्पित करने जा रहे हैं, तो आप उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपके भावुक आक्रामक सहनेता मंगल का इस वर्ष फिर से आप पर तीव्र प्रभाव पड़ेगा, जिसकी शुरुआत पहले ही सप्ताह से साहसी धनु राशि के साथ उग्र साझेदारी से होगी। भले ही आप दिल से अंतर्मुखी है, यह सहज ऊर्जा आपको नई संभावनाओं से अवगत करा सकती है और आपको तुरंत अपने जीवन में और अधिक रोमांच का स्वागत करने में मदद कर सकती है। जब आप वर्ष की शुरुआत नियंत्रणों और अवसरों के लिए हाँ कह कर करते हैं, तो यह ब्रह्मांड बताता है कि आप खुशी और सफलता के लिए खुले हैं और अधिक अच्छी चीजें आपके रास्ते में आने लगेगी। प्लूटो आपके अन्य सहनेता में अविश्वसनीय परिवर्तनकारी ऊर्जा है और जैसे ही यह जनवरी के अंत से सितंबर की शुरुआत तक प्रयोगात्मक अभिनव वायु चिन्ह कुंभ राशि में शामिल होता है, तो परिवर्तन क्षितिज पर होता है। आप आमतौर पर एक स्थिर राशि के व्यक्ति है जो हर चीज को पकड़कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन यह परागमन आपको सिखाता है कि जो चीजें आपके जीवन में काम नहीं कर रही है उन्हें छोड़ने की अनुमति देना बेहद मुक्तिदायक हो सकता है। 2024 में यह पता लगाने का समय आ गया है कि आपके जीवन के कौन से क्षेत्र रिफ्रेश का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।